नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोल्सकाई में आपका स्वागत है। कोविड 19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने लोगों में एक बार फिर से दहशत पैदा कर दी है। WHO के अनुसार यह नया वेरिएंट वायरस के व्यवहार को ही बदल देता है। इस वेरिएंट ने साउथ अफ्रीका के साथ भारतीय लोगों की भी चिंता बढ़ा दी है। विशेषज्ञ कहते हैं कि यह नया संस्करण डेल्टा वेरिएंट की तुलना में और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए यह बहुत घातक है। दुनिया भर के टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप इस नए वेरिएंट पर लगातार नजर बनाए हुए हैं ताकि संक्रमण की गंभीर का पता लगाया जा सके। वैज्ञानिकों की माने तो ये वेरिएंट 40 या उससे कम उम्र के लोगों को प्रभावित कर रहा है। जिन लोगों में ओमिक्रॉन के लक्षण दिख रहे हैं उनमें से लगभग आधे रोगियों का टीकाकरण नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा लोग 1 से 2 दिन तक गंभीर थकान की शिकायत कर रहे हैं। इसके साथ ही लोगों को सिर दर्द और शरीर में दर्द भी महसूस हो रहा है। विशेषज्ञ अब भी कोविड 19 से बचने के लिए वैक्सीनेशन पर जोर दे रहे हैं। उनका कहना है कि नए स्ट्रेन से बचने के लिए सावधानी अब भी जरूरी है। सामाजिक दूरी बनाए रखें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहने रहें, भीड़ भाड़ वाली सामूहिक जगहों पर अच्छा वेंटिलेशन हो इसका ध्यान रखें। इसके अलावा नियमित रूप से हाथों और सतहों को धोने की अब भी जरूरत है।